एलग्रो स्टार्टेड ए न्यू चैनल। हाँ दोस्त, ये बात जितना ज्यादा शॉकिंग है उतना ही ज्यादा एक्साइटेड भी कि एलग्रो ने एक नया चैनल क्रिएट किया है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एलग्रो के इस नए चैनल का नाम क्या है, एलग्रो के इस नए चैनल पे किस टाइप का कॉन्टेंट मिलेगा, एलग्रो के इस नए चैनल का ग्रोथ कैसा है और उसके इस चैनल का ग्रोथ होने या न होने का रीजन क्या है। और इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें यूट्यूब पे सक्सेस के और ज्यादा करीब ले जाएगी। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना, क्योंकि ये पहला चैनल है जो उसके न्यू चैनल को एनालाइज किया है और कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो तुम्हारे चैनल को भी आगे ले जा सकता है, इसकी 100% गारंटी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुम सबसे पहले ये जान लो कि एलग्रो का एक और पुराना चैनल भी है क्रिटिक, जिसे उसने 6 मई 2020 में स्टार्ट किया था और एलग्रो को 4 मार्च 2021 में स्टार्ट किया है। और दोनों चैनल को एक ही बंदा हैंडल करता है जिसका नाम है जसवीर सिंह डागर, और उसी ने यानी कि एलग्रो ने 22 जुलाई 2021 को एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है द कंट्री भर। तुम सिर्फ चैनल का नाम जानकर इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में आगे भी बहुत सारी बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने है जो तुम्हें काफी ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और इस चैनल के ग्रोथ पर भी आगे बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। एलग्रो के इस नए चैनल पर भी YouTube टिप्स की वीडियो ही मिलती है जैसा कि एलग्रो पर मिलता था। फर्क बस इतना है कि चैनल के वीडियो का लैंग्वेज चेंज हो गया है। एलग्रो पर वीडियो हिंदी में थी और द कंट्री भर पर इंग्लिश में। बाकी सारी चीजें सेम है, टाइटल, टैग और थंबनेल भी उसने सेम रखा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि उसके इस नए चैनल का ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितना कि एलग्रो का हुआ था। ये देखो, ये चैनल एलग्रो ने 22 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया और उसी दिन इस चैनल पे एलग्रो ने एक वीडियो भी अपलोड किया था। और ये देखो, आज 30 जुलाई 2021 है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उस दिन से लेकर आज तक 10 दिन हो चुका है, फिर भी चैनल पे मात्र 122 सब्सक्राइबर्स और वीडियो पर मात्र 549 व्यूज है, जो एलग्रो के ग्रोथ से काफी ज्यादा कम है। तो आओ जानते हैं कि एलग्रो के इस चैनल का ग्रोथ इतना कम क्यों है। देखो, एलग्रो ने टाइटल भी सही रखा है, डिस्क्रिप्शन काफी सही से यूज करता है और टैग और थंबनेल भी काफी अच्छा लगाता है, लेकिन फिर भी वीडियो वायरल नहीं हुआ और व्यूज एलग्रो के मुकाबले बहुत ही कम आया है। इसके पीछे का रीजन है कि स्टार्टिंग में तुम कितनी भी अच्छी वीडियो क्यों न बना लो, तुम्हारे वीडियो पर व्यूज काफी कम आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास उस वीडियो को देखने के लिए ऑडियंस नहीं होता है। और जैसे जैसे ऑडियंस आता है, वीडियो पर व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाता है। और अब तुम कहोगे, एलग्रो चैनल पर वीडियो वायरल क्यों हो गया? तो दोस्त, एलग्रो चैनल पर जसवीर ने अपने पुराने चैनल क्रिटिक से ऑडियंस को ट्रांसफर कर लिया, और क्रिटिक और एलग्रो दोनों की कैटेगरी लगभग सेम है, जिससे कि क्रिटिक वाली ऑडियंस को भी एलग्रो की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। अब तुम कहोगे, अगर ऐसा है तो एलग्रो ने उस चैनल के बारे में अपने दोनों चैनल एलग्रो और क्रिटिक पर क्यों नहीं बोला? तो गाइस, जहां तक मुझे लगता है कि एलग्रो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि बिना पोटेंशियल ऑडियंस के कोई भी चैनल कितने दिनों में ग्रो हो सकता है। लेकिन दोस्त, उसका ये चैनल भी काफी जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके इस नए चैनल के बारे में वीडियो बनाएगा जो कि फ्री में एलग्रो के नए चैनल के लिए प्रमोशन होगा। और जब एलग्रो खुद चाहेगा तब वो किसी भी एक वीडियो में इस चैनल का लिंक देकर इसका ग्रो कर सकता है। तो गाइस, तुम भी कभी घबराना मत। तुमने देखा कि अगर एलग्रो के पास भी पहले से पोटेंशियल ऑडियंस नहीं होता तो उसका भी इतना तेजी से ग्रो होना काफी मुश्किल था। तो आप भी मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और अगर तुम एलग्रो जैसा एडिटिंग सीखना चाहते हो या फिर एक दिन में 100 पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स चाहते हो या यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से तुम जाकर उसे जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।